नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश विधानसभा में शिवराज सरकार के इस साल का 3,14,000 करोड़ का बजट 2023-24 का खजाना खुला है। इसके बाद अब विधानसभा में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश बजट के संबंध में प्रेस वार्ता की। इस दौरान प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एमपी के बजट को अद्भुत बताया, साथ ही वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को बधाई दी है। सीएम शिवराज ने कहा, आज का बजट अद्भुत रहा, जगदीश देवड़ा को बधाई देता हूं। पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए आत्मनिर्भर एमपी और गरीब कल्याण का बजट है, किसानों की आय बढ़ाने का बजट है, सही मायने में जनता का बजट है। इस बजट के लिए जनता से भी सुझाव लिए गए। यह बजट की अमृत वर्षा का बजट है। यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनता की जिंदगी बदलने के लिए संकल्प को पूरा करने का बजट है। यह बजट नई आशा और विश्वास जगाने वाला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महिलाओं का कल्याण हमारी प्राथमिकता है। महिलाओं को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आगे यह बात भी कही कि महिलाओं का कल्याण हमारी प्राथमिकता है। लाडली लक्ष्मी योजना, प्रसूति सहायता, गांव की बेटी योजना, कन्या विवाह सहित अन्य योजनाओं में 1,02,976 करोड़ महिला कल्याण पर खर्च किए जाएंगे। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। मित्रों, मैं आज के अद्भुत और अकल्पनीय बजट के लिए वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। ये बजट हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण का बजट है। प्रधानमंत्री जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने कहा, गरीब कल्याण हमारा संकल्प, ये गरीब के कल्याण का बजट है। ये माँ बहन और बेटी के उत्थान का बजट है। ये किसानों की आय बढ़ाने का बजट है। सर्वसमावेशी और सर्वस्पर्शी बजट, सही मायने में जनता का बजट, क्योंकि जनता से भी सुझाव लिए गए। लगभग 14,000 सुझाव हमारे, 4,000 से अधिक सुझाव हमारे पास आए थे। ये अमृत काल में विकास और समृद्धि के अमृत की वर्षा का बजट। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनता की जिंदगी बदलने का संकल्प लिया है, जो संकल्प को पूरा करने का बजट है। नई आशा और विश्वास जगाने वाला बजट। मित्रों, ये बहुत संतुलित बजट है, क्योंकि एक तरफ आप देखेंगे इंफ्रा के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय, उसका प्रावधान इस बार 56,256 करोड़ रुपया किया गया है, पिछली बार से 15% ज्यादा। तो एक तरफ अधोसंरचना विकास का भी बजट है, तो दूसरी तरफ जनता के कल्याण के लिए जो अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही उनके लिए अभूतपूर्व प्रावधान किया गया है। मित्रों, माँ बहन बेटी मतलब महिला, उनका कल्याण हमारी प्राथमिकता रही है और 1,02,976 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके लिए किया गया है। मैं समझता हूं कि अब तक का ये सबसे ऐतिहासिक कदम। और मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, उसके लिए प्रावधान किया गया है। लाडली लक्ष्मी योजना के लिए प्रावधान किया गया है। कन्या विवाह के लिए प्रावधान किया गया है। प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान किया गया है। गांव की बेटी जैसी योजनाओं के लिए प्रावधान किया गया है। महिला स्वास्थ्य सहायता समूहों को
बैंक से ऋण मिल जाए, क्रेडिट लिंक मिले, उसका ब्याज भरने के लिए प्रावधान किया गया है। तो कुल मिला के 1,02,976 करोड़ रुपया महिला कल्याण पर खर्च किए जाएंगे। यह अभूतपूर्व है। मैं एक और बधाई देना चाहता हूं इस बात के लिए कि मुख्यमंत्री कौशल अप्रेंटिसशिप योजना ये अपने आप में अभूतपूर्व है। 1,000 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है। 1,00,000 युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। इस बार एक नई योजना मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना, जो शासकीय स्कूल में 12th क्लास में अपने स्कूल में पहले नंबर पर आएगी, उस बिटिया को स्कूटी, ई स्कूटी प्रदान की जाएगी। रोजगार के लिए 1,00,000 से ज्यादा नौकरियों पर भर्ती चल ही रही है, लेकिन उसके अतिरिक्त स्वरोजगार की योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यम जैसी, उद्यम क्रांति जैसी योजनाओं के लिए पर्याप्त प्रावधान, और अपने नौजवानों को स्किल्ड करने के लिए भोपाल में संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क बन रहा है, उसी की तर्ज पर ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा में ये बड़े स्किल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। किसानों के लिए, कृषि के लिए, खेती के लिए लगभग 53,964 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। तो ऋण माफी के झूठे वादे के चक्कर में डिफाल्टर हो गए थे और उनको 0% ब्याज पर कर्ज मिलना बंद हो गया था। हमने तय किया है कि हम ये जो कर्ज है, कर्ज का जो ब्याज है सहकारी समितियों का, वो सरकार भरेगी, ताकि 0% ब्याज पर फिर किसान को कर्जा मिल सके। उसके लिए 2,500 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपया देते हैं, हम 4,000 रुपया देते हैं। हमारा जो 4,000 रुपये की मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना है, उसके लिए 3,200 करोड़ रुपए का प्रावधान, 0% ब्याज पे कर्जा देने के लिए बजट में अलग प्रावधान। अरविंद जी बैठे हैं, सहकारी बैंकों को हम देते हैं। फसल बीमा योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपया, बिजली बिलों पर सब्सिडी के लिए 13,000 करोड़ रुपया, और भी अन्य कई योजनाएँ किसानों के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है। इससे खेती को लाभ का धंधा बनाने में और मदद मिलेगी। समाज के अनुसूचित जाति और जनजाति कमजोर वर्ग के लोगों को देखें तो जनजाति कल्याण के लिए 36,950 करोड़ रुपया, जो पिछले साल से 37% अधिक है, जिसमें सिकल सेल मिशन के लिए भी प्रावधान किया गया है 50 करोड़ रुपए का, और अनुसूचित जनजाति के लिए भी 26,087 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पिछड़ा वर्ग के लिए, घुमंतु विमुक्त, अर्धघुमंतु समुदाय के लिए बजट में विशेष रूप से प्रावधान किया गया है। शिक्षा पर 38,375 करोड़ रुपए, जो पिछले साल से 5,532 करोड़ रुपया अलग है, अधिक है, और दो विशेष चीज़ें, सीएम राइज स्कूल के लिए भी प्रावधान, ताकि उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा हम अपने विद्यार्थियों को दे सकें, और पीएम श्री योजना के अंतर्गत पीएम साहब जो पीएम श्री स्कूल बनाने वाले हैं, उस पर स्टेट का शेयर भी हमने दिया है, उसके लिए भी 277 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता सुधरेगी। मित्रों, हमारे खिलाड़ी खेल के मैदान में बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के में हमने देखा, हमारे ओवरऑल मध्य प्रदेश कभी 8वें 10वें नंबर पर हुआ करता था। खेल का बजट 3 गुना ज़्यादा इस बार बढ़ाया गया है, 738 करोड़ रुपए का प्रावधान। हेल्थ के लिए अगर आप देखेंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और बेहतर सुविधाओं के लिए
16,055 करोड़ रुपए का प्रावधान, उनमें से आयुष्मान भारत के लिए 953 करोड़ रुपया और नए मेडिकल कॉलेजों के भवन के निर्माण के लिए भी पर्याप्त राशि दी गई है। चाहे सिंचाई हो और चाहे सड़कें हो, सड़कों के लिए 10,182 करोड़ रुपया, जिनमें पुलों का निर्माण और संधारण भी शामिल है। सिंचाई जो बढ़ा के हमको 65 लाख हेक्टर तक ले जानी है, उसके लिए 11,049 करोड़ रुपया, और बिजली के इंफ्रा को ठीक करने के लिए 18,302 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। गांव का विकास हो, ग्रामोदय हो या नगरोदय हो, दोनों के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है। 24,443 करोड़ रुपए तो है ग्रामीण विकास के लिए, और उसके साथ प्रधानमंत्री आवास के लिए हर गरीब को पक्की छत मुहैया कराना है, ये फिर 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान, ताकि गरीबों के घर का सपना पूरा हो, उसको हमने किया है। नगरों के लिए भी 14,882 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक प्रावधान किया गया है। ग्रामीण अधोसंरचना के लिए 3,083 करोड़ रुपया, ये 15वें वित्त आयोग का भी है, और मनरेगा का 3,500 करोड़ रुपया भी है। मित्रों, एक और अभिनव पहल, सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड हमने जारी करने का फैसला किया है। हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, बच्चे, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन, निराश्रित और कल्याणी बहनों के लिए संस्थागत व्यवस्था हम बनाएंगे, पर संस्थागत व्यवस्था में इनकी रोजगार कैसे बेहतर हो सकता है, इसलिए महिला प्रशिक्षण केंद्र हो, नशा मुक्ति केंद्र हो, मानसिक दिव्यांगजन कल्याण हो, पुनर्वास केंद्र हो, उनकी स्थापना हम करेंगे। सामाजिक महत्व के कार्यों में जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित सामाजिक संगठन है, उनके साथ मिलके इसके लिए हम सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड जारी करेंगे, लगभग 1,000 करोड़ रुपए के, और उसके लिए भी हमने 100 करोड़ रुपए का आउटकम फंड निर्मित किया है। एक तरफ इंफ्रा और जनकल्याण, वहीं तीसरी तरफ हमारे जो जीवन मूल्य है, परंपराएं हैं, हमारी संस्कृति है, उसको आगे बढ़ाने के लिए संत रविदास जी का स्मारक, ओरछा में राम राजा लोक, चित्रकूट में दिव्य वनवासी राम लोक, और सलकनपुर में देवी महालोक, ऐसी जुड़ी परियोजनाओं के लिए भी लगभग 358 करोड़ का प्रावधान है। भारत भवन में कलाग्राम, रामपायली में डॉक्टर हेडगेवार जी का संग्रहालय, ग्वालियर में हिंदी भवन तथा परम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी स्मारक, उसका प्रावधान किया गया है। और तीर्थ यात्रा अब हवाई जहाज से भी होगी, उसके लिए भी प्रावधान किया गया है। कुल मिला के समाज के हर वर्ग के कल्याण को ध्यान में रखने वाला ये बजट प्रधानमंत्री जी के सपनों के अनुरूप एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश की तरफ से अभूतपूर्व योगदान देगा। और प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत को बनाना है, उसके लिए $550 बिलियन की इकोनॉमी मध्य प्रदेश को बनाना है, उस दिशा में भी ये महत्वपूर्ण कदम है। सर कमला जी ये कह रहे हैं बजट को लेके, पहली चीज कमला जी का ये कहना है कि कलाकारी का बजट है, दूसरी बात ये कि वो कहते हैं कि अगर मध्यप्रदेश में सरकार बनती है तो हम 1500 रुपए बहनों को बातें हैं, बातों का क्या। कांग्रेस में आज इतना दम नहीं था कि वो इतने अच्छे बजट को ढंग से सुन पाती, और इसलिए हाउस में भी चिल्लाओ, सुनने मत दो, जनता भी ना सुन ले। मैंने आग्रह किया सार्वजनिक रूप से खड़े रहकर, मीडिया भी गवाह है कि कम से कम बजट भाषण तो जिसको जनता सुनना चाहती है वो ढंग से हो जाने दो। लोकतंत्र की परंपरा है, आप अपना जब बजट पर चर्चा होती
जो कहना होता कहते, लेकिन ना कोई अनुशासन है, ना लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास, केवल झूठ झूठ और झूठ परोसना, तो झूठ की दुकान हो गई है कांग्रेस। इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।